हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से एक बार फिर हम लेकर आए हैं अपना क्राफ्टिंग वीडियो से। आज हम पेपर क्राफ्टिंग की हेल्प से बनाएंगे फोटो फ्रेम। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, फोटो फ्रेम बनाने के लिए मुझे कुछ इन न्यूज़पेपर्स की कटिंग और ये जो टुकड़े मैंने कट करके रखे हैं अपने जो कार्ड्स होते हैं उनके टुकड़े, इनकी ज़रूरत होगी और हम बनाएंगे एक फ़ोटो फ्रेम। तो गाइस, हम अपने फ़ोटो फ्रेम की साइज़ लेंथ रखेंगे 17 सेंटीमीटर और इसकी वाइडनेस रखेंगे 13 सेंटीमीटर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्राफ्टिंग वीडियो। ये जो हमारे पास न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं इनको हम रोल करके स्टिक जैसा शेप देंगे। ये हम 8 टोटल ऐसी शेप बनाएंगे, ऐसी 8 स्टिक्स बनाएंगे, इनसे हम आगे के हमारे फ्रेम को फिनिशिंग देंगे। तो चलिए गाइस, हम पहले इनकी स्टिक्स बना लेते हैं। ऐसे सेटअप कर लिया है 13 सेंटीमीटर की, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रख लिया है। अब हम इसको ऐसे यहाँ पे दोनों को यहाँ पे चिपका देंगे, एक इसको और एक इस स्टिक को। फिर बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमने 17 सेंटीमीटर रखनी है। फ्रेम है वो ऐसे बनके तैयार हो गया है। अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं इसके वो सभी कट कर देते हैं। तो गाइज, ये हमारा फ्रेम है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको, इस कोने को और इस कोने को थोड़ा डेकोरेटेड करते हैं। डेकोरेट करने के लिए ऐसे पेपर हैं, इनसे हम एक फ्लावर बनाएंगे, वो इस पर चिपकाएंगे। तो चलिए गाइस, पहले बनाते हैं फ्लावर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पेपर के फ्लोर तैयार कर लिए। अब हम 3 फ्लोर्स को इस कोने पे और 3 फ्लोर को इस कोने पे अपने टेप रोल की सहायता से अटैच कर देते हैं। सर, अभी हम इस कोने को थोड़ा सा और डेकोरेटेड करते हैं। तो गाइस, हमारा फोटो फ्रेम बनके कंप्लीटली तैयार हो गया है। अब हम इसका करते हैं क्लोज ओवरव्यू। We'll be right back.
कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस।